हाई फ्रेंड्स गुड इवनिंग वाच सो टुडे आई एम कमिंग अप विद दिस लेक्चर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सी ए इंटर लॉ दैट्स न्यू सिलेबस बेसिकली हम अदर लॉस का मैंने एक रिविजन लेक्चर पहले ही लिया था जहाँ पर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया था और निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लिया था अच्छा कॉर्पोरेट लॉ में से हमने डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स करा दिया था देट वॉज रेपिड रिविजन वन रैपिड रिविज़न नंबर जो टू था वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का नेगोशियेबल था वो आई थिंक ढाई घंटे का वीडियो है और अब ये जो कम कर रहे हैं ये हमारा है रैपिड रिविज़न नंबर थ्री इसमें जो बाकी जो मेरे दो अदर लॉज है उसका वीडियो चलेगा अभी अच्छा मैंने क्या किया है दो चैप्टर आपको पता है माशा सुबह अल्लाह या अल्लाह भगवान भाई गुरु जीजस क्राइस्ट इसमें जब ये चैप्टर पढ़ते हैं सारे भगवान सारे रिश्तेदार मामा नाना चाचा ताऊ सब 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 की याद आ जाती है कहना क्या चाहता है चैप्टर अलग ही लेवल पे चलता है ठीक है सो नाउ दिस इज नॉट अ रेगुलर लेक्चर गाइस ध्यान रखना इट्स अ रिविजन लेक्चर माई अटेम्प्टज डिसंबर ट्वेंटी वन और मई ट्वेंटी टू जब आप रिविजन करेंगे तो आपको ये लेक्चर्स काम आएंगे ध्यान रखना तो ये लेक्चर आपको रिविजन की तरह पढ़ने हैं सामने आपको शीट दिख रही होगी तो ऐसा ही मैंने इंटरप्रिटेशन के लिए किया है और सेम ये चीज़ मैंने जनरल क्लॉजेस के लिए की है क्या की सर मई अठारह में सिलेबस चेंज हुआ था जब हमको या आपको इंटर बनाया गया था पहले आई पी हुआ कर रहा था तो मे अठारह से लेके अभी तक स्टिल जुलाई ट्वेंटी वन तक का जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं इंटरप्रटेशनल स्टैचूस के और जनरल क्लॉजेस के वो मैंने यहाँ ले लिए हैं जब आप खुद देखोगे ना रिपीटेशन मिल जाएगा आपको सर ये नोट्स दे दो हमको ये मेरे को पता है सर लाल से लोग हैं यहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आपको देखेगा फॉर नोट्स तो एक फाइल देखिए आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूस की एक फाइल देखिएगा आपको जनरल क्लॉजेस की वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फिर जब आप पढ़ेंगे जब सेकंड थर्ड डिवीजन कर रहे हैं जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं क्या करना वीडियो मत देखना अगर नहीं देखना तो वो नोट्स ले लेना आप एंड मेरी आवाज़ सुनते रहना मतलब वीडियो ऑफ करके टू एक्स पे देखते रहना सट क्या होगा कि जब खुद से पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है कोई बोल रहा होता है तो फटाफट आ जाता है देखो जब गाना आप सुनते हो ना अपने को दिमाग में बैठ जाता है ना गाने के लिरिक्स कोई टीचर सिखाने नहीं आए गाना अपने बार बार सुना तो बैठ जाता है वही सेम चीज़ अपने लॉ में होती है आप अगर बार बार सुनोगे ना बार बार जब सुनोगे ठीक है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा सो so, इनके से अगर आप घर में कोई काम करो मम्मी की मदद करो साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट होगा बराबर या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी क्या करने का यूट्यूब ऑन कर लेने का या वीडियो को डाउनलोड कर लो इसका ऑडियो सुनते रहो तो क्या होगा मैंने जितनी बार भी बोला होगा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा दैट्स द ओनली वे टू रिमेंबर दिस चैप्टर भले आप रैंक वाले हो भले आप एवरेज वाले हो दोनों ग्रुप दे रहे हो भले एक ग्रुप दे रहे हो देखो तो यही स्ट्रैटेजी होगी ठीक है लेट्स स्टार्ट आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन विल स्टार्ट द सेशन अच्छा पसंद आ जाए डू शेयर विद योर फ्रेंड्स कमेंट एंड लाइक द वीडियो सो दैट बहुत लोगों तक पहुंचे एक चीज़ थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ता है अपने को हैव टू डू स्मार्ट स्टडी बराबर हार्ड वर्क आपको पता कैसा होता है आपने कर ही लिया होगा ऑलरेडी अब अपने को स्मार्टनेस चाहिए लेट्स स्टार्ट तो मई अठारह में दस मार्क का नवंबर अठारह में बारह मार्क का था क्योंकि पहले अटैम्प फिर अपने एम सी के पैटर्न आ गए वहाँ पर देन मे नाइनटीन नौ मार्क नवम्बर नाइनटीन छः मार्क फिर छः छः मार्क के हो गए नवंबर ट्वेंटी फिर मई ट्वेंटी में तो एग्जाम नहीं हुई थी नवंबर ट्वेंटी छः मार्क जैन ट्वेंटी वन छः मार्क जुलाई ट्वेंटी वन छः मार्क दो मार्क के आसपास का मांग के चलते एम सी में दो तीन मार्क का मुझे नहीं पता कितना था क्योंकि वो तो कोई डिटेल आती नहीं ये आपका पैटर्न है ठीक है लेट्स स्टार्ट पहला क्वेश्चन आपने भी अपने टीचर की बुक से पढ़ा मैं ये शीट से पढ़ा रहा हूँ आपकी टीचर की बुक आप निकाल लीजिए तो वहां पर मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको पता है सर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन वॉट फैक्टर डिसाइड डायरेक्टरी और मैडेट्री मैंडेटरी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए आपको आठों सब्जेक्ट मतलब सी ए बनना है तो आपको तो आटो सब्जेक्ट पार करना ही पड़ेगा करना पड़ेगा आर टी पी मॉक पेपर डायरेक्टरी है करना है तो करो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर मैंडेटरी में मतलब आपको मॉड्यूल पढ़नी ही पड़ेगी आपको लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे आपको ऑटो सब्जेक्ट अपेयर करना ही पड़ेगा ठीक है जी एम सी एस आई टी टी आपको करनी ही पड़ेगी मैडेट्री है ऐसे हर अटैम्प में आर टी पी निकालते हैं मॉकपेर निकालते डायरेक्टरी वॉलेंट्री करना है तो करो ठीक है सो क्या बोलते हैं देखो अभी तो घर पे जब अपन आ रहे हैं एक और एग्जाम्पल घर पे जब अपन आ रहे हैं पापा की बात जैसे बॉयज़ को तो पता ही है पापा की बात बेटा क्या दो मैंडेटरी फॉलो करनी पड़ेगी मम्मी डायरेक्टरी नहीं भैया चल जाएगा ठीक है मम्मी का है फ्लाइंग चप्पल उसे बात अलग है विल गेट चप्पल बेलन बेल झाड़ू पता है कपड़े धोने लगे मोगरी बोल रहे थप्पा बोल रहे हो थप्पा कुछ ऐसे बोलते ना वो डायरेक्टरी पापा मैंडेटरी पापा, पापा आंखों से बातें करते बोलते तो है नहीं पापा क्योंकि बोलेंगे तो फिर अपन जिंदा नहीं रहेंगे पापा आंखों से बातें करते हो मैंडेटरी मम्मी डायरेक्टरी बीवी गर्लफ्रेंड बताओ मैंडेटरी दोस्त डायरेक्टरी दोस्त डायरेक्टरी समझा आपको लेट्स रीड द आंसर टुगेदर देखो चार मार्के कितना लिखना आपने को? कोई ज्ञान नहीं पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट एकदम प्रैक्टिकली स्पीकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रोविजन व्हिच इज मैंडेटरी एंड वन व्हिच इज एक्ट इज दैट व्हेन इट इज मैंडेटरी इट विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इट विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वड जब वो डायरेक्टरी होगा बेटा

कांड की है तो वो सर आपको देनी पड़ेगी कांड के तो पेनल्टी देनी पड़ेगी मैंडेटरी पर अगर कुछ ना कुछ हो ना जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए गवर्नमेंट कंपनीज़ हो गई उनको नहीं देना उनके लिए वो डायरेक्टरी हो जाएगा उनके लिए डायरेक्टर हैंस इट इज़ अब काउंस एंड मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द मेयर फॉर्म वापस से वही घुमा रहे बी कॉम जब सबसे ओवर फॉर्म देखने का अगर मैं बोलता एक एक एक्ट मैंडेटरी होगा पर दूसरी तरफ से वो डायरेक्टर होगा वाई सा वर्षा फिर वाई सावर सावर सा वर्षा को एक्सप्लेन किया हैंस बोलने का एकदम बी जैसा लिखने का सो इफ ए प्रोविजन इज अ पावर कपड़ विद ड्यूटी इट इज़ मैंडेटरी whether it is not so it would depend upon the circumstances such as nature of the thing which is empowered to be done the object for which it is done and the person for whose benefit the power is to exercise जैसे maine aapko penalty वाली baat batayi अपन जैसे लोगों के normal लोगों के लिए sir वो mandatory होती है penalty देनी पड़ेगी sir आपको government के officials हो गए prime minister हो गया president हो गया बड़े-बड़े जो लोग हैं मतलब जो government मतलब की post वाले उनके लिए वो directive हो जाएगा ठीक है that's may eighteen का question चेक करो मे नाइनटीन में क्वेश्चन नंबर नाइन तुमको आता है क्या मे नाइनटीन एक्चुअल पेपर सेम सेम शेम शेम ठीक है दो बार आ गया दो बार आ गया प्रो मैंडेटरी एंड डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वॉट आर द एक्सेप्शन टू द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जैसे कॉमा फुल स्टॉप एक्सप्लेमेशन मार्क अपन ऐसे पढ़ते ना वो एंड दूसरा क्या वॉट इज अ डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी कागज में लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्सप्लेन करने का आपको क्या बोलता है देखो ग्रामेटिकल इंटरप्रटेशन कंसन एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ इट डज नॉट गो बियन द लेटर ऑफ द लॉ इन ऑल ऑर्डनरी केसेस ग्रामेटिकल इंटरप्रटेशन ग्रामेटिकल इंटरप्रेशन इज अ सोल फॉर्म अलाउेबल द कोर्ट कैन नॉट टेक फ्रॉम और एड टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ लॉ जैसा लॉ ने लिखा है कॉमा सपरेट कर रहा है तो बस उसको वैसे इंटरप्रेट करने का ग्रामेटिकल इंटरप्रेशन कहते हैं उसको अपना बुद्धि नहीं लगाने का अपना बुद्धि नहीं लगाने का बट अगर कोई ऐसी बात होगा जहां से पर्पस डिफीट हो रहा है लॉ का जहां से पर्पस डिफीट हो रहा है लॉ का तो अपने को फिर वो एक्सेप्शन मिले के चलने का तो अपने को ग्रामेटिकल इंटरप्रेशन नहीं लगाएंगे वहां पर जैसे कि मैं बोलता कोई सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है या कहीं कॉमा से सेपरेट करा तो कॉमा से मीनिंग चेंज हो रहा है माना पर सर जो मेरा लॉ है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है मैं अगर कॉमा हटा दूंगा वहां पर तो मेरा लॉ का जो पर्पज़ वो डिफीट हो जाएगा तो आई विल चेंज इट आई विल चेंज इट तो वो एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा कुछ वेग बातें कर रहा होगा ना वेग बातें वेग बातें वो आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा ग्रामेटिकल इंटरवेशन रीड कर लीजिए इतना सा आंसर है चार मार्क चार मार्क चार मार्क आंसर रीड ऑन योर स्क्रीन नीचे डॉक्यूमेंट बार बार वापस से वही घुमाएगा क्या कहता है देखो डॉक्यूमेंट जनरल इंडस्ट्रीड इज अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिवन एज इंफॉर्मेशन प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग द लॉ डिफाइंस डॉक्यूमेंट इन अ मोर टेक्निकल फॉर्म क्या कहता है एनी मैटर विच इज एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर हो गया फिगर हो गया कोई ड्राइंग कर दी कोई मार्क्स हो गया और बाय मोर देन वन दो मींस विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज फॉर दर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर कुछ लेटर फिगर मार्क कुछ होगा दट इज कॉल इज अ डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट एनी वर्ड्स प्रिंटेड आर डॉक्यूमेंट ये आपका ओके डॉक्यूमेंट रिपेटेड क्वेश्चन में भी क्लियर डन क्वेश्चन नंबर टू तो मे अठारह में इतना आया था एक और क्वेश्चन आया था ये आर टीपी में था मेरे क्या क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म प्रोवाइजो ऊपर से अलग प्रोवाइजो गिव द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोवाइजो एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज क्या कहता है देखो अभी सर प्रोवाइजो मतलब क्या सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट ये मम्मी कहती है तुमको जाने के जाओ दोस्तों के साथ घूमने के लिए बट भाई को लेके जा साथ में भाई को लेके जा प्रोवाइजो जा घूमने जा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दस बजे से पहले हम

So the effect of the proviso is to qualify the preceding enactment which is expressed in terms which are too general. As a general a proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. Ordinary proviso is not interpreted as setting as a general rule but the general rule normal jo rule will accept is the sales of goods equity definition. goods means every kind of movable property including growing crops, grass, shares, things attached to land, farming part of the land which can be severed from the land. Fair proviso money and actionable claims are not goods.

स्पेशल केस में जनरल एक्सेप्शन क्या बोलता है ये चार चीज़ एक्सेप्शन है आई मीन सॉरी प्रोवाइजो क्या बोलता है कि भैया मेरा जो जनरल ये चीज़ जनरल रूल है उसमें से मैं जो पर्टिकुलर केस है उसके बारे में बात करूँगा एक्सेप्शन क्या बोलता है मेरा सर उल्टा लिखना है पर हाँ उल्टा लिखा ये ये एक्सेप्शन है मैं वही बोला कंफ्यूजन इसी से हो रहा है हुँ. एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू री द द टू अ पर्टिकुलर केस उसके बारे में बात करेगा बस खाली मैं बोलता हूँ कि भैया हाँ कौन कौन लोग आ, कौन कौन चीज़ें मेरी इसमें कवर हो जाएगी पर्टिकुलर चीज़ें प्रोवाइजो क्या कहता है जो पूरा जो मेरा जनरल रूल है उसमें से स्पेसिफिकली बाहर निकाल दैट्स दैट्स माई स्पेशल केसेस दैट्स प्रोवाइजो सेविंग क्लॉज इज यूज टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टन राइट्स रेमेडीज ऑफ प्रिविलेज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग तो एक एक माह का आंसर आ सकता है आधा आधा माह का आ सकता है कुछ भी आ सकता है आर में क्वेश्चन था ये आपके मे अठारह में, में प्रोवाइजो की बात है अब रुक जाओ प्रोवाइज होना ना मे ट्वेंटी देख रहे है तुमको द ओली प्रॉब्लम के लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं स्मार्ट स्टडीज वेरी मच मच्छा देखो जो पहले आया था सेम क्वेश्चन वही है ट्वेंटी में पंद्रह ओहो नवंबर ट्वेंटी आहा ओहो खत्म खत्म हो गया तुमको देख रहे रिपीटेशन कितनी होती है प्ले स्मार्ट गाइस प्ले स्मार्ट नेक्स्ट सर राइट शॉर्ट ऑन ऑन प्रोविजन अब आगे आपका प्रोविजन मेन रूल हो गया एंड एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू रेफर प्रोविजन पे पूछा और एक्सप्लेनेशन पे पूछा सर प्रोविजन मेन जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वहाँ पर प्रोविजन ये भी हो ही है हाँ देख लो नवंबर अठारह में भी प्रोवाइजो वही आंसर है एक्सप्लेशन डिटेल नोट तो जैसे अगर बैर एक्ट होता है उसमें से अलग से उसको एक्सप्लेन कर रखा है कोई कोई डेफिनेशन उसका अलग से कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रखा है और डिटेल में एक्सप्लेन किया उसको बोलते हैं अपन एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइजर तो सेम है रीड एक्सप्लेनेशन ईजी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहते हैं सर एक्सप्लेन मिस्टीफ रूल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टू जो बोलते हैं एंड गिव फोर मैटर्स इट कंसडर कॉन्स्ट्रक्शन मिस्ट्री फुल बताना आपको जब लॉ की गलती होती है वहाँ पर एंड एक्सप्लेन हाउ द डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी ग्रेट ऑफ हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द एंड कंस्ट्रक्टिंग एन एक्ट ठीक है डिक्शनरी डेफिनेशन बताने आपको सो मिस्टिफी रूल क्या है क्या सर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोलते उसको अपन या मिस्ट्री बोल लीजिए कि क्यू था लॉ उससे पहले कैसे सभी कंपनी सेक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स था फिर कंपनी सेक्ट दो हज़ार तेरा क्यों बनाया गया नया लॉ क्यू आया था निर्भया का केस जो था निर्भया लॉ बनाया गया क्या है ऐसा चीज़ है जो पुराने एक्ट ने नहीं दिया वहाँ पर mm. कंपनी से मैनिफिक्स में बहुत सी दिक्कत थी दो हज़ार तेरह ने क्या सॉल्व करके दे दिया वो सारी चीज़ें अपन मिस्ट्री रूल में सीखते हैं दूसरा था अपना डिक्शनरी डेफिनेशन मेयर इंटरप्रेशन अगर लॉ में अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है आपको आप क्या करोगे उसका डिफीनशन मीनिंग पहले जाके पढ़ो पहले आपको मेन अपना लिटिल कंस्ट्रक्शन वो फॉलो करना होता है अगर वो पल्ले नहीं पड़ता तो अपने क्या करना पड़ता है उसको डिक्शनरी में देखना पड़ता है अगर लॉ में डिफाइन है तो आप वही फॉलो करोगे जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है कंपनी एक्ट में कंपनी डिफाइन है बट जो चीज़ें डिफाइन नहीं है जबकि डिक्शनरी डेफिनेशन फॉलो करते हैं अपन ठीक है इज दिस इज योर आई थिंक नॉम्बर एटीन नॉम्बल एटीन रीड बहुत मिसचिफ रूल वाला और डिक्शनरी डेफिनेशन वाला मिस चिफ रूल इंटरेस्टिंग या इजी है डिक्शनरी डेफिनेशन खाली इंग्लिश वाला वर्ड्स लिखने खाली रीड नेक्स्ट रिपील ऑफ प्रोविजन डिफरेंट फ्रॉम द डिलीशन ऑफ प्रोविजन करेक्ट है क्या बोलते पहले रिपील मतलब उसको हमेशा के लिए हटा दिया है उखाड़ के फेंक दिए। जैसे मेरी नोटबुक थी नोटबुक से मैंने चार पन्ने फाड़ के फेंक दिए रिपील मतलब वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होते थे मतलब ऐसा चीज़ था डिलीट मतलब वो था एंड उसको डिलीट कर दिया है. हटा दिया गया वहाँ पर ठीक है अब देखो क्या कहता है इट वॉज डिसाइडेड रिपील इज द डिस्टिंक्शन फ्राम द डिलेशन ऑफ प्रोविजन रिपील ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ओबिलिटिलेशन मतलब एबॉल्यूशन ऑफ द प्रोविजन एज एफ पर नेवर एक्सिस्टेड देअर बाय अफेक्टिंग ऑल इनको राइट्स एंड ऑल कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड टू रिपील प्रोविजन मतलब जो भी उससे रिलेटेड कोई बातें होंगी सब हट जाएंगे मतलब वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था हवे पर जो डिलीशन की बात है टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लॉ अफेक्टिंग नेवर टू द टोटल इफेक्ट और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोजन एज एफ इट पर नेवर एक्जिस्टेड डिलीट हुआ बोला क्या जहाँ एक अप्रैल 2021 से डिलीट करते हैं तो आगे के डेट हुआ पुराने तो थे ना पुराने टाइम पे तो था ना ये चीज उसको बोलते हैं डिलीशन रिपील में क्या मतलब हमेशा के लिए बोर्ड के मतलब जो पा, मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते रेट्रोस्पेक्ट हो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है रिपील में भी डिलीशन में वो नहीं होता ठीक है दो मार्क का आंसर केस लॉग नहीं आ रहा तो भी चलेगा फिर द स्टैचू शुड बी रीड एज अ होल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ये आपकी आरटीपी का क्वेश्चन है स्टैचू शुड बी रीड एज अ होल रीड कर लीजिए इसको खाली रीड ठीक तो है तो यह अलग क्वेश्चन है मे नाइनटीन का क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रीएम्बल प्रियम्बल डज नॉट ओवर एट द प्लेन दमेंट ऑल्सो गुटेबल एक्साम्पल बहुत सिंपल है प्रीएम्बल मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जैसे अपन जब बुक खोलते हैं तो उसमें मतलब ना प्रीफेस टाइप्स मतलब जो बेसिक चीजें बताता है सेम चीज एक्ट का जो बातें हैं ऑब्जेक्ट स्कोप परपज वो बताता है पर एकदम डिटेल में हाँ अंदर आपको एक्ट मिलेगा पूरा पर अगर आप कोई मैं बुक खोलता हूँ मेरे को देखने का इसमें एक्ट में क्या लिखा है तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ प्रीएम्बल सो क्या करने का प्रीएम्बल एक्सप्रेसिस द स्कोप ऑब्जेक्ट Purpose. क्या बोलोगे सॉप सॉप स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पज ऑफ दोर कॉम्प्रेहेंसिवलीज पार्ट ऑफ द बी यूज़ कैनिटिवलीस एन इंटरनल एड फॉर कॉन्स्ट्रक्शन अगर समझना है कि लॉ क्या कहना चाहता है इंटरप्रेट करना है तो आई विल यूज प्रियम्बल फॉर देट हाउ एय प्रियम्बल डज नॉट ओवर राइट द्लेन पर एग बट इफ द वर्डिंग दैचू गिव राइज शुड डाउट एज फॉर द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वेयर द वर्ड ऑफ फ्रेज मोर देन वन मीनिंग एंड द डाउट बिटवीन द टू मीनिंग इंटेंडेड इन द ए दिएमल कैन आट टू बी रेफ इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रोपर मीनिंग अगर कोई शब्द जो दो अलग अलग बातें बता रहा है तो क्या करेंगे प्रेमल जाकर प्रेफर कर लीजिए नीचे एक एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जाम्पल उसने कहा था वो प्रेमल कभी भी ओवरराइड नहीं करना प्रोविजन करना क्योंकि प्रेमल तो उसी के तो बना समझने के लिए यूज ऑफ द वर्ड्स में इन सेक्शन फाइव हिंदू मैरिज है खाली एग्जाम्पल अपने हिंदू मैरिज एक्ट नहीं है मैरिज में भी सोलमनेस बिटवीन टू हिंदू हैज बिन कॉन्स टू बी मैडेटरी इन सैन ड बोथ दार्टीज मैरिज मज भी हिंदू इट वॉज हेल द मेरेज बिटवीन क्रिस्चन मेल एन हिंदू फीमेल सोलम हिंदू मैरेज एक्ट वॉज वॉइड

ये जो एक्ट है कि जो मैरेज है बिटवीन हिंदूज है बिटवीन हिंदू तो अगर एक शब्द के कुछ अलग इंटरप्रेशन आ रहे हैं तो प्रेमल को जाकर प्रेफर कर लीजिए तो ये हो गया प्रेमबल की बात है नीचे अपन कर ही चुके देन एक बार चेक कर बेटा क्वेश्चन नंबर इलेवन तुमको आता है क्या इलेवन आता है प्रोवाइजो की बात है प्रोवाइजो की बात है सॉरी तो प्रोवाइजो समझ में आ रहा है कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबा प्रोवाइजो ही आ रहा है ठीक है अब एक और क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन टेन पर हूं मैं ये हमारा चल रहा है मेन एंडिंग का क्वेश्चन

या वो आगे वा, आगे और भी बहुत सारी चीजों को बताएगा वेन अ वर्ड इज डिफाइंड एज मीन्स सच डेफिनेशन ऑफ इस रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव क्या बोलोगे मीन्स है तो रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव भूल जाओगे -E. -E. मतलब तो एम आर ई रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव बराबर एम आर ई मीन्स मतलब रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव वी मस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द डेफिनेशन सेक्शन उसके हिसाब से चलना पड़ेगा जब मैं बात करता हूँ सर इंक्लूड की किसकी बात करता हूं मैं इंक्लूडिंग की वो मेरी क्या है एक्सटेंसिव है क्या है मेरी वो एक्सटेंसिव है वर्ड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर मीनिंग एंड बहुत सारी चीजों को वो इंक्लूड इंक्लूड कर सकता है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव रेस्ट्रिक्टिव बोल सकते so ले लो, e ले लो. हो हो uh, ऐसा ले ले लो लो जाएगा

लेटेस्ट क्वेश्चन सेम कहाँ से आया पास पेपर सेम अभी बेटा ये क्वेश्चन देखना क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री जुलाई ट्वेंटी वन क्या कहता है वेदर फॉरेन डिसीजन कैन बी यूज फॉर कॉन्स्ट्रूंग इंडियन स्टैच्यूज एक्सप्लेन एक सेकेंड नवंबर 19 के आरटीपी का क्वेश्चन एक्सप्लेन फॉरन डिसीजन कैन बी यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन एक्स ठीक है अब इसमें जो नीचे ना बेटा ये जो आंसर ने बेटा ये प्रोवाइजो का दे दिया है ये जो आंसर है ये प्रोवाइजो का कॉपी हो गया है यह आंसर नहीं आंसर वो पीछे पढ़ना है प्रोवाइजो का आंसर है फॉरन डिसीजन सर जनरली क्या फॉलो करना चाहिए सर आपको इंडियन एक्ट फॉलो करना चाहिए हमेशा बट बट अगर मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़े बचा सालोमन वर्सेस सोलोमन तो फॉरन डिसीजन अपन ले सकते हैं तो फॉरेन डिसीजन ले सकते हैं तीन मार्क का आंसर रिपिटेटिव क्वेश्चन सालोमन वर्सेज सालोमन बहुत सारे इंग्लिश लॉज है जो अभी मुझे याद है ली वर्सेज ली एयर फार्मिंग लिमिटेड आपने होगा सब चीज़ें बराबर तो पहले इंडियन लॉ को फॉलो करने का वो नहीं तो फिर फॉरन डिसीजन को यूज़ कीजिए रीड तीन मार्क का छोटा सा आंसर नेक्स्ट नवंबर 19 हाउ वुड यू इंटरप्रेट द टर्म इंस्ट्रूमेंट इन अ अच्छे डॉक्यूमेंट अपन पहले कहे भी इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट मींस अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कंफर्म्स ए राइट और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट उसको इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड एग्रीमेंट डी चार्टर रिकॉर्ड ड्रॉनप एंड एग्जीक्यू इन अ टेक्निकल फॉर्म इट ऑल्सो मीनस अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल इफेक्ट इधर एज अ क्रिएटिंग लाइबिलिटी और एज अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट इंडियन स्टैम्पैक्स स्टेट्स के इंस्ट्रूमेंट क्या होता है विच एनी राइट या लाइबिलिटी क्रिएट कर सकती है ट्रांसफर हो सकती है एक्सटेंड हो सकती है एक्सटेंगे हो सकती है फिर रिकॉर्ड हो सकते उसको इंस्ट्रूमेंट क्लियर रुक जाओ नॉर्मल एंटी में वापस कॉपी हो गया ये सेम क्वेश्चन आई थी कॉपी हो गया नॉर्मल का दो बार कॉपी हो गया ये रहा क्वेश्चन सेम है, का दो बार कॉपी हो गया ठीक है और आपस नहीं फिर यूसेज और प्रैक्टिस को आप इंटरप्रेट कीजिए यूसेज और प्रैक्टिस को ये इट इज आपको रट्टा मानना पड़ेगा तीन मार्क का आंसर है ये रट्टा मानना पड़ेगा रीड कर लीजिए एक बार टीचर की बुक में मार्क कर लीजिएगा आयो है एग्जाम में नवंबर उन्नीस में आया हुआ है मारो रट्टो क्वेश्चन वही कॉपी हो गया था गलती से तो सेम क्वेश्चन सो के सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए नवंबर ट्वेंटी में ये क्वेश्चन है जो अलग आया है प्रोवाइजर सेम था अब नाइनटीन देखो असोसिएटेड वर्ड्स असोसिएटेड वर्ड जिसको अपन क्या कहते हैं वो नोसेटोरे कुछ है नोसेटरे अब देखो कॉमन सेंस में लेके चलना है एनिमल्स डोमेस्टिक वाइल्ड डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही कवर खाली बोलते तो ना रंग बदबू क्रिकेट गिट उसका अब रंग ले लेता है वो रंग ले लेता है पर जैसे प्लांट एंड मशीनरी सो मैंने टॉक अबाउट प्लांट एंड मशीनरी अस्ट में भी बात होती है प्लांट एंड मशीनरी पौधा भी है ना वो तो प्लांट जो वर्ड है तो प्लांट एंड मशीन में प्लांट क्या करेगा वो मशीन का वर्ड वर्डे जब मैं फिक्स सेट की बातें करूंगा सो वेन टू और मोर एक्सप्रेशन कपल टूगेदर और भी जनरली द अदर

प्लांट है मैं, मैं बोलूंगा पौधा और मशीन जैसे गलत हो जाएगा ना मतलब तो वो जो प्लांट पड़े वो उसका वर्ड ले लेगा इट इज रूल वाइडर देन द रूल ऑफ एजूस एजुस जेनरिस जेनरिस क्या बोलता है एक इंक्लूड तो दूसरा एक्सक्लूस जाएगा ना बराबर डोमेस्टिक एनिमल्स बोला मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स लॉजिकल वाइल्ड एनिमल्स एक्सक्लूज वो एजूस द जेनरिस में होता है हम इसको प्यार से एजूस द जेनरिस कहते हैं इट बी इन माइंड बॉर्न माइ द नॉटर मेरली रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कैन प्रवेंट केसेज इज क्लियर वाइडर दट वर्ड्स ए बिन डेलिवरी टू यूज अगर स्पेसिफिक वर्ड्स जो है आप उसको लेके चलना पड़ेगा आपको बड़ा अगर कॉमन सेंस में लेना है तो आप क्या यूज करोगे नोसेटर सॉकी नोसेटर ए सॉकी एसोसिएटेड वर्ड्स अलग क्वेश्चन था 90. अब यहां से लेके यहां तक ये लोग ने पूरा कहानी गाया अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे ना नहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सप्लेन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोला इसने बेटा

यहाँ पर भाई साहब ने बोला ठीक है मैं नहीं बता रहा हूँ अब आपको बताना है वो बराबर है कि नहीं तो पहले आप क्या लिखोगे पूरा थ्योरी लिखोगे थ्योरी फिर so, क्या बोलोगे इन द बाव केस ही डिड नॉट डिज इंटरेस्ट यर ही हॉट टू हैव कंसेप्ट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द प्रोवेशन लॉ एंड देयरफॉर इवन दो ही वाज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड ही शुड हैव इंटरेस्ट ठीक है मैं कह रहा हूँ कि जो मैं लॉ में लिखा है वहाँ पर जो मैं सेक्शन वन जो टू में कहता हूँ अपने एजी एम वाले मैं पार्ट में देखोगा ए जी एम ई जी एम में कि जब वो टू बिजनेस होता है अपने को वहाँ पर वो स्पेशल बिजनेस का है आपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है उसका जहाँ जहाँ वो इंटरेस्ट होगा वो आपको बताना पड़ेगा भले आपको वहाँ पर फ़ायदा डायरेक्टली नहीं हो रहा होगा आपको बताना पड़ेगा इसने बताएं तो वो गलत के तो पहले थ्योरी इन द बाफ केस कंक्लूजन तो ये आपको लिटल कंस्ट्रक्शन का आंसर है बेसिकली रीड डन है नीचे ट्वेंटी वन अपन कर चुके आधा कर चुके वट इज एक्सटर्नल एट टू इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन हाउ द डिक्शनरी डेफिनेशन आर एक्सटर्नल एट टू इंटरप्रेशन तो डिक्शनरी डेफिनेशन अपन आगे कर चुके एग्जाम में आया हुआ है एक्सटर्नल एट्स क्या है सर डिक्शनरी डेफिनेशन हो गया फॉरन डिसीजन हो गए जो बाहर जाके अपन कुछ पढ़ रहे हैं ठीक है लॉ के जो जजमेंट्स हो गए जो लॉस की बुक से मतलब जो किताब से बाहर होते हैं मेरे एक्सटर्नल होते हैं तीन मार्क का आंसर तो उतना ही लिखना जितना पूछा इंस्टीट्यूट ने सर एक्सटर्नल इज आर द फैक्टर्स दै हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग एक्ट एंड हैव बीन गिवन द इंटरप्रिटिंग कवीनियट ऑफ एक्सटर्नल इट इंटरप्रिटेशन अपार्ट फ्रॉम द लॉ इट दर मेनी मैटर्स विच मे बी टेकन टू अकाउंट वन द स्टैचू इज एम्बीस दिस मैटर्स आर एज एक्सटर्नल इट सो डेफिनेशन दे दी एंड डिश्शन डेफिशन एक्सप्लेन दे पहले पढ़ चुके थे पार्ट रिपिटेटेव जुलाई इक्कीस के दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं खत्म तो मोटा मोटी तेईस लिखे पर दो क्वेश्चन गलती से आ गए थे तो इक्कीस क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए हुए आपके पास वही घूम रहे हैं वही घूम रहे हैं ठीक है अभी रुक जाओ हाथ कर अपन अपनी आरटीपी भी कर लेते अभी की तो क्या आएगा अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने ये ये वाली आरटीपी हो गई है इंटर क्रॉपरे लॉस आरटीपी टी ए भगवान खुल जाओ अदर्ला, अदर्ला, अदर्ला। 13 देख लो क्या क्वेश्चन है खाली आपको ये अटम भी करनी है ये वाले अटीपी एट टाइम ऑफ दिन का इफेक्ट ऑफ यूसेज और कस्टम्स एंड प्रैक्टिस नोट्स में है नोट्स में है हो गया यही क्वेश्चन है खत्म मंटा है खत्म देख लो इतना करके जाओ वहां के बेटा पास हो जाओगे काम आएगा कोई वही क्वेश्चन है जिसको भी ये नोट्स चाहिए बेटा वो नीचे शीट में मिल जाएंगे आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे हो सके मैक्सिमम अपने दोस्तों को बता दो बाकी इंस्टीट्यूट और जो महंगे वाले टीचर्स है बहुत घुमाते हैं बच्चों को ये कर रहे वो कुछ नहीं आ रहा बेटा देख लो कितना रिपीटेशन है कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे मैंने आपको मई अठारह से लेकर ट्रिल डेट करा दिया कुल cool? आ जाओ अभी नेक्स्ट ऐप्टर अपन कर रहे जनरल क्लॉजेस एक्ट आ जाइए डन है आ जाइए अभी हम लोग कर रहे जनरल क्लॉजेस के क्वेश्चंस तो इसके भी नोट्स आपको नीचे से मिल जाएंगे डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है so, सो मई अठारह में दस मार्क का नवंबर अठारह में आठ मार्क का दो मार्क का मई उन्नीस में नवंबर उन्नीस में, में सात मार्क का नवंबर बीस आठ मार्क सात मार्क सात मार्क इतना से आया हुआ है ये आक क्या कहना चाहता है तुमको पता अलग अलग है पूरा देखो अभी इट्स एक्स ओन अ लैंड ओन द लैंड विद फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सॉरी एक्स ऑन लैंड में फिफ्टी टैमर एंट्रीज में वो रुपीज़ दिखा the 50 trees to इज लैंड wants आफ्टर कटिंग whether ट्रीज टू आई एक्स नो sale ऑफ टिम्बर प्रॉपर्टी advise as per जनरल clauses एक्ट वही सेम क्वेश्चन नीचे आरटीपी नौ और उन्नीस में मिला सेम क्वेश्चन सो आपको डेफिनेशन देनी है इमोवेबल प्रॉपर्टी की इमोवल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग लैंड है इसके ऊपर पेड़ खड़ा है थिंग्स अटैच टू द लैंड एंडनेंटली फास्ट एंड टू एनथिंग अटैच ट अर्थ कोई मशीन ने जो नीचे कर दिया वो भी उसको भी अपन इमोल प्रॉपर्टी मान लेंगे इमोल प्रॉपर्टी माने इट इज एन इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन इट कंटेंट्स फोर एलिमेंट वहां पर डिफाइन करें पूरा लैंड बेनिटिंग पूरा लिखा वहां पर एंड इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव टू द एक्सप्रेशन द्वेश्चन पूरा ब्ला है लैंड इज इम प्रॉपर्टी हावेर टिम्बर कैन नॉट बी इमल प्रॉपर्टी इन द सेम आर नॉट अटैच क्योंकि वो मूवेबल है वो आप निकाल के बाहर फेंक सकते हो लैंड हो गया बेनिफिच राइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया थिंग्स अटैच टू अर्थ हो गया या जो हमेशा के लिए वहां पर अटैच कर दे गए वो आपका लैंड है सो so, जो लैंड है वो इमल प्रॉपर्टी जो पेड़ है वो इमर प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है जाओ नोटिस का ही ज्यादा क्वेश्चन है एक ही बार है। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली एनी फोर इफेक्ट्स ऑफ बाई रीपिल ऑफ एन एक्जिस्टिंग एक्ट बाई सेंट्रल लेजिस्लेशन एन्यूमरेटेड इन द सेक्शन सिक्स ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट सो फोर इफेक्ट्स बताने आपको रीपिल के फोर इफेक्ट्स बाय रीपी सर रिपिल मतलब क्या अपने वहां पर इंटरप्रेशन में पढ़ा था पुराना हमेशा के लिए निकाल देंगे जैसे वो कभी एग्जिट ही नहीं होता है वहां पर अब वो क्या बोलते हैं वेर एनी सेंट्रल लेजिस्टन और एनी रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंट ऑन दिस एक्ट रीपीस एनी एक्ट मेड और विच इजलेस एंड दर्पज एक्स इज द रीपील शेल नॉट रिवाइव एनी थिंग नॉट एनफोज ड्यूरिंग द पेड एट विच द रीपल इज इफेक्टेड फॉर मतलब सर वो जिंदा वापस नहीं रिपील कर दिया मतलब वो जिंदा नहीं हो सकता हटाई दिया हमेशा के लिए हटाई दिया हमेशा के लिए फिर अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट ऑफ एनी लेजि डेट इज रिपील और एनी थिंग जो जिसने बनाया होगा उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा वो एनी क्लेम प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलेट ऑफ टेन वो भी अफेक्ट नहीं करेगा शेल नॉट अफेक्ट एनी पनिशमेंट फॉर विच ऑफ पेनल्टी सस्टेन उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा शेल नॉट एफेक्ट एनी इंक्वायरी एडिकेशन रेमेडी विथ रिगार्ड टू सच क्लेम प्रिविलेज उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा तो इस आंसर को यहां से रट्टा मानना पड़ेगा आपको यह अलग आंसर बेटा रिपील का ठीक है पोस्ट सर्विस ऑफ पोस्ट वाला आंसर रजिस्टर्ड पोस्ट वाला आंसर दोनों दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है क्या कहता है सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाई पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लासेज एक्ट नीचे भी वही है अ नोटिस वन अंडर शर्चर रूल्स टू बी सेंड बाई रजिस्टर पोस्टमेंट इंस्टीट बाड बाई रजिस्टर पोस्ट तो रजिस्टर पोस्ट का पहले मतलब बताइए क्या होता है सर लेटर लिया डाल अंदर चिपकाया अरे क्या रे बस चिपका दिया खत्म एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट विद बाई पोस्ट अ डिफरेंट इंटेंशन कुछ और कहना चाहते तो पता लगे नहीं तो जनरल लिखा एड्रेस लिखा प्रीपे कर दिया उसको एंड पोस्टिंग बाई रजिस्टर्ड पोस्ट अटर वी डिलीवर्ड इन दर्डनरी कोज ऑफ पोस्ट ये आपके डेफिनेशन हो पोस्ट के भैया जिस दिन अपने बना के डाल दिया है जिस दिन उसको मिल जाएगा तो भैया वो हो गया कि डॉक्यूमेंट इज डिलीवर्ड है

तो वो उसकी छिट्टी होती है वो अपने को आ जाती है जिसको बोलते हैं रपार्ड रजिस्टर पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू इफ द नोटिस वॉज सेंड बाई रजिस्टर पोस्ट ओनली इट विल नॉट बी द कम्पलाइंस ऑफ सेड रूल्स क्योंकि अगर रपार्ड लिखा है तो आपको रपार्ड से भेजना चाहिए था आपने रजिस्टर पोस्ट से भेजा गलत है सर इफ सच प्रोविजन वॉज नॉट प्रोवाइड बाई स्टैच दें सर्विस ऑफ नोटिस इफ सेंड बाई रजिस्टर पोस्ट शाल बी डीम टू है अगर रपाड से लिखा हुआ है तो रपाड से भेजना पड़ेगा अगर ऑर्डिटर पोस्ट हो तो ऑर्डिट पोस्ट से ठीक है रीड द आंसर डन है नवंबर एटीन अब ये थोड़ा सा केस वाला क्वेश्चन अच्छा तुम्हें पोस्ट के ओर देखो कौन से चेकआउट क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिस्टर व्यास इज द ओनर

फिर कंक्लूजन कंक्लूजन में क्या है इट विल बी दैट द नोटिस हैज बीन सर्वड अब इनकम टैक्स तो अपने घर पे आके देखा तो को ने, ने, दे uh, था बोला नहीं नहीं तू मिल मैं आपके हाथ में दूंगा नहीं दे दिया ना खत्म हो गया अगर वो प्रीपेड था पोस्ट था बराबर बना दिया था एड्रेस लिख दिया था और दे, दे, था, दे, था, दे भेज दिया है पहुंच गया है ना तसंदा गोवन क्वेश्चन दैट द नोटिस वाज राइटली सर्वड ऑन रौन्स मिस्टर व्यास सेम क्वेश्चन केस बना के घुमाया खाली वो डायरेक्ट था पहले कदम ठीक है तो ये सेम है आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर फाइव पर कोमल लिमिटेड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑन ट्वेंटी सेवन द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज कॉस डिविडेंट सुनते आपको याद है कमनी सेक लिखना है नहीं 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 नहीं, नहीं कमी सेक नहीं लिखना है जनरल क्लॉज हिसाब से बोलना है क्या द डेट्स ड्यूरिंग विच अ कोमल इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड कोमल लिमिटेड

दिस फ्राम को हटा के टू को इंग्रम जिस दिन भेजा वो हटाओ जिसको लिया उसको पकड़ो अब आपको पता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड तीस दिन में देनी पड़ती है अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन बराबर ए जी एम कब हुई सत्ताईस सेप्टेम्बर को तो उनको कब से करना पड़ेगा सर सत्ताईस को हटा दीजिए तो अट्ठाईस को पकड़ो तीस दिन तीस दिन कैसे एक दिन कम करने का कभी भी एक दिन कम करने का तो सत्ताईस दस दो हज़ार अठारह अट्ठाईस से लेके सी जिस दिन आपका डिक्लेरेशन हुआ उस दिन हटा दीजिए उस दिन हटा दो अगला दिन लो वहां से तीस दिन वहां से तीस दिन सो so, अट्ठाईस से सत्ताईस तक आपको देना इन दिस सीरीज ऑफ थर्टी डेज सत्ताईस अक्टूबर विल बी द एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट ए थर्टी दैट इज सॉरी सत्ताईस सेप्टेंबर विल बी एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट थर्टी डे दैट इज सत्ताइस अक्टूबर विल बी इंक्लूडेड सो कॉमन लिमिटेड विल बी रिक्वायर टू पे डिविडेंड विद इन ट्वेंटी एट सेप्टेंबर एंड ट्वेंटी सेवन अक्टूबर बोथ डेज इंक्लूसिव 28 से लेके 27 अक्टूबर तक तो आप कभी भी पे कर सकते हो नाउ अनपेड डिविडेंड सात साल अच्छा अनपेड डिविडेंड में भेजा ना सात दिन सात दिन के अंदर सात साल तो तुम्हारा रहेगा आपने अगर क्लेम नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी फ्रॉम द लास्ट डे विद इन सेवन डेज विद इन सेवन डेज वो अनपेड में भेज देगी बराबर तो जिस दिन अब सत्ताईस सेप्टेम्बर अब देखो क्योंकि उसी से लिंक है ना वो सत्ताईस सेप्टेंबर को मीटिंग हुआ कंपनी को 28 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक 30 दिन में देना था बराबर अब 27 अक्टूबर तक तो आपका 30 डेज खत्म होता है अभी किसी ने क्लेम नहीं किया तो विद इन सेवन डेज आप आगे भेजोगे कहाँ पर अनपेड में तो मेरा ट्वेंटी अक्टूबर खत्म हटा दो उसको को 28 को पकड़ेंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी वन टू थ्री थर्टी वन हाँ सॉरी हाँ अक्टूबर है थर्टी वन हाँ सॉरी वापस करते सत्ताईस अक्टूबर तो आपका थर्टी डेज खत्म होता है फिर वो क्या बोलता है तीस दिन में क्लेम नहीं किया तो उसके सात दिन के अंदर नेक्स्ट सेवन डेज के अंदर अनपेड में भेजिए, सो अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस एक दो तीन सात तो अट्ठाइस से लेके थर्ड तक थर्ड तक बोर्ड डेज इंक्लूसिव कंपनी को अनपेड में भेजने का है एग्जाम क्वेश्चन इजी देन

ठीक है फिर वो ओजी में मतलब पब्लिश करो उसको वहाँ पर मतलब एक प्रिस्क्राइब मैनर में जाएगा वो नोट उस अटैच कर दीजिए सर आप फिर कुछ ऑब्जेक्शनस होंगे वो उसको सुनिए एंड देन ओजी में आप उसको पब्लिश कर दीजिए ठीक है रीड कर लीजिए एक बार हाथ के हाथ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन मिस्टर राम एन एडवोकेट हैज क्लाइंट मिस्टर श्याम हु टेकिंग इज एक्सपर्ट एडवाइज ऑन टैक्सेशन मैटर नाउ मिस्टर राम इज लाइबल टू अ फाइन फॉर एक्टिंग फ्रोडेंडली बोथ अंडर एडवोकेट एक्स एंड इनकम टैक्स एक्ट तो दो लॉ में है यहां पर स्टेट द प्रोविजन हैज वेदर इजेंस इज पनिशमेंट अक्स एज पर जनरल क्लॉज एक्ट सर दो एक्ट में अगर है तो या तो अब ये फॉलो कर लो या वो फॉलो दो बार नहीं हो लगेगी भाई दो बार पेनल्टी नहीं लगती हाँ कोई भी एक्सेप्ट को मिल जाएगा कि आपने एक कांड किया है बट शैल नॉट बी पनिश ट्वाइस बट शैल नॉट बी पनिश ट्वाइस रीड द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन नेक्स्ट मेन एंड इनके हिसाब से बहुत ईजी है तो क्या बोलता है एज पर जनरल क्लाज क्या कहते हैं फाइंड आउट द डे एंड द डेट ऑन विच फॉलोइंग एक्ट और रेगुलेशन कम फोर्स इन एक्ट ऑफ अ पार्लियमेंट विच इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशन अ पर्टिकुलर डेट डेट नहीं दी है तो किस दिन होगा सर सर जिस दिन प्रेसिडेंट का मिले, असेंट असेंट मिलेगा असेंट उस दिन प्रेजिडेंट जी जिस दिन देप्पा दे देंगे दे 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 उस दिन हो जाएगा ये चीज फिर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दट सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्पोज रिक्वायरमेंट्स अमेंडमेंट रूल एक्शन वॉज इशू बाई सेबी वाइड नोटिफिकेशन डेटेड इट फोर्टीन ऑगस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू सर यहाँ पर क्या हुआ नोटिफिकेशन है चौदह अगस्त दो को पर नोटिफिकेशन डेट उस दिन की थी बट उसमें लिख दिया था कि विद इफेक्ट फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी सिक्सटीन तो किस दिन से आएगा फर्स्ट जनवरी से लिखा है ना सामने तो उसी दिन से आएगा ना सर दो माह का छोटा सा क्वेश्चन बताओ इसमें क्या समझ आना है रीड लो फटक से ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ आर टी था क्वेश्चन नंबर फोर मतलब ये पोस्ट वाला आंसर बनकर आया था सेम वो हो गया क्वेश्चन नंबर टेन अब गुड फेथ वाला आंसर आप देखोगे ना इतनी बार आ गए ना गुड फेथ भैया रट्टा मार लो याद कर लो पूरा बार बार यही दिखता है यही दिखता है बार बार यही वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड फेथ

क्वेश्चन सिक्सटीन सिमिलर सा है मिसेस के वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप टू परचेज ऑर्नामेंट्स द ऑनर ज्वेलरी शॉप आर नोटोरियस एंड इंस स्मगलिंग एक्टिविटीज मिसेस के परचेज ऑर्नामेंट्स ऑनेस्टली विदाउट मेकिंग प्रॉपर इक्वाइरी विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वाइरी वॉज अ परचेज मेड इन गुड फे एज पर द्रोशन जनरल क्लॉज एक्स वर्स टू कन्वे गुड टाइटल ठीक है गुड फेथ क्वेश्चन सेवेंटीन का नंबर टू गुड फेथ फिर वापस से आए जेंट ट्वेंटी वन गुड फेथ बस अभी तक तो इतना ही है गुड फेथ कितनी बार गया चार बार आ गया देखो गुड फेथ का मतलब क्या मीन्स अ थिंग शैल बी डीम टू हैव बीन इन गुड फेथ वेर इट हैज बीन डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन डिलीजेंटली और नॉट द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट एनेक्टमेंट दिस डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ

एंड ऑनेस पर्चेज मेड केयरलेसली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी कैन नॉट भी सेट कैन नॉट बी सेट कैन नॉट बी सेट टू बैव मेड इन गुड फेथ सो एस टू कन्वे अ गुड टाइटल सेम आंसर हर जगह चेतना है सेम आंसर खाली वो जो, जो ज्वेलरी वाला था उसमें भी क्या बोल देंगे इट इज मेड इन गुड फेथ बट बट नॉट कन्वे गुड टाइटल क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी वी की नहीं हो गया आंसर खत्म गुड फेथ के बहुत बड़ा आंसर आ गया दूसरा आंसर अच्छा जो है बेटा वो है एफिडेविट वाला आंसर डिफाइन द टर्म एफिडेविट क्या बोलता है दो बातें ध्यान रखनी है अफॉर्मेशन एंड द बॉब डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर इट्स चे दैटेविट शैल इंक्लूड अफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन अफॉर्मेशन द डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एफिडेविट न अंडस्टैंड दिसम इन जनरल पार्लेंस एफिडेविट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट जहां पर अपने गीता पे हाल कसम खाइए कंफर्म बाई और अफर्मेशन फॉर यूज एस एन एविडेंस इन कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी एफिडेविट हो गया नवंबर नाइनटीन में भी सेम क्वेश्चन एफिडेविट सेम क्वेश्चन एफिडेविट सला फिर नवम्बर ट्वेंटी में फिर क्वेश्चन एफिडेविट सेम क्वेश्चन ओह बस इतना ही बस इतना ही इतना ही भाई भाई इतना ही इतना इतना हो गया फेवर खत्म सेम क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ फिर आया क्वेश्चन नंबर वन ऑफ आर टी कराया क्वेश्चन नंबर वन ये वाला बन कराया पेड वाला मे अठारह का क्वेश्चन हो गया दिस इज डन दिस इज डन ट्वेल्थ इज डन थर्टीन हो गया हमारा फोर्टीन हो गया फिफ्टीन हो गया है सिक्सटीन हो गया है अब सिक्सटीन में क्या है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस देखो दो मार्क का छोटा सा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस

मॉज यूमेजिन स्ट्रेट लाइन ऑर अलिजोटल प्लेन स्टेट लाइन ऑनिजॉन्टल प्लेन स्ट्रेट लाइन ऑनिजॉन्टल प्लेन दोन पीके एंड वीके पीके एंड वीके है लॉन्ग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ लैंड फॉर विच अ लीगल सूट वॉज पेंडिंग इन द कोर्ट द कोट फिक्स द डेट ऑफ इयरिंग ऑन ट्वेंटी हॉलीडेटेड बाय द गवर्नमेंट एक सेकेंड हॉलीडेज सबसे वॉट विल बी द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम ऑफ द दिन इन दिस केस अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या हो जाएगा अगला दिन नेक्स्ट वर्किंग डे ना नेक्स्ट वर्किंग डे वेयर बाय एनी लॉ और रेगुलेशन एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इज डायरेक्ट और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस ऑन अ सर्टन डे विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड देन इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज ऑन दैट डे

You are required to explain the scope of the term government and clarify whether exemption from gratuity income is also available to state government. State government. Give your answer as per General Clauses Act. apan kya bolta agar government word use kiya hai to dono include है ना central and state government ha उनको ही milega अगर उनको बोलना होता कुछ special की central government तो central government को बोलते state government बोलना होता है तो state government बोलते हैं अगर कुछ बोला नहीं हमेशा अपन government को क्या बोलते हैं दोनों central and state read the answer number two Read!" नेक्स्ट नाइनटीन हो गया अभी जुलाई ट्वेंटी वन के दो अलग क्वेश्चन क्या बोलता है इंश्योरेंस पॉलिसीज कवरिंग इमोल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं की डेफिनेशन डिफाइन करो और डॉक्यूमेंट की तो डॉक्यूमेंट बना document आपर, immual property. Immual property ना डॉक्यूमेंट है अग्रीमेंट है इट इज नॉट एन इमोल प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी जो आगे पढ़ी वो लिखनी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी हेल्ड एज एनिमल प्रॉपर्टी दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन वैलिड हो गया वेर वर्ड इज यूज कर्वर्टिंग कॉमन जेंडरबल स्पेसिफिक जेंडर देर इज अ प्रिजम्पन जनरल एक्ट इज नॉट कवर सॉरी डो नॉट अपलाय थर्स कुड नॉट बी इंटरप्रटेड टू इंक्लूड वो बुल को कवर कर रहे हैं स्पेसिफिक जेंडर को आदमी होता है बुल्लक काओ कैसे आएगी गाय हमारी माता है फीमेल नहीं चार माह का आंसर जुलाई ट्वेंटी वन अब ये कोविड को यूज कर तो इन ने ये जो सेम क्वेश्चन था ना बेटा ये वाला ये वाला कोट वाला जैन ट्वेंटी वन वाला जैन सेम क्वेश्चन का देख लेना कोविड यूज किया बच्चों वो कोविड की बात आ गए कोविड की बात क्या है देखो अजीत वॉ सपोज सबमिटेड अपील टू हाई कोर्ट ऑन कोलकाता ऑन थर्टीन मार्च ट्वेंटी विच वॉज द लास्ट डे ऑन विच द अपील ऑन विच सच अपील कुड बी सबमिटेड अनफॉर्चुनेट ऑन दैट डे हाई कोर्ट वॉज क्लोज ड्यू टू टोटल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया डू टू कोविड नाइनटीन पेंडामिपल एक्सप्लेन द रेमेडी अवेलेबल टू अजीत अंड द प्रोविशन जन एक्ट सर ऑन द नेक्स्ट डे वेन द कोर्ट इज ओपन जब भी खुलेगा ऊपर वाला थियोरी सेम थियोरी क्वेश्चन कंक्लूजन देख लें आंसर सेम होगा डन खत्म सो पूरा अदर लॉस मैंने आपको करा दिया कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ करवा दिया बेटा आपको नेगोशिएबल करवा दिया आपको इंटरप्रिटेशन करा दिया जनरल करा दिया इतना ही करना है आपको ठीक है तो ये जो वीडियो होगा ये डिसम्बर 21 के लिए भी कॉमन है मई 22 के लिए भी नॉर्मल में सबसे कॉमन है कुछ अगर चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर तो अभी आप लोग के सामने जो अटैप्ट दिख रहा है उसके हिसाब से चलिए इतना कर लीजिए बहुत है जिसको भी नोट्स चाहिए नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जितना हो सके मैक्सिमम अपने दोस्तों को बताइए मदद कीजिए लोगों की दुआ दे के जाएंगे आपको बेटा दुआ दे के जाएंगे ठीक है डू लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जितना हो सके मैगम सो लोगों को पता चले इतना ही पढ़ना होता है देखो कितना रिपीटेशन है स्मार्ट स्टडीज़ रिक्वायर्ड इतना करके जाओ कॉन्फिडेंस आएगा आप एम सी क्यू आंसर कर पाओगे कोई आपका भाई बंधु जो आगे की अटैम्प्ट देगा रेगुलर लेक्चर फाइनल के या फिर इंटर के आई टेक बहुत लॉन्ग एन ऑडिट तो यू कैन विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेट्स ऑन इंडिया डॉट इन एंड या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात ठीक है ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात क्या है सर वो सो करंटली आई पी ऑडिट अगर कोई ओल्ड सिलेबस आला है या फिर कोई अगर इंटर दे रहा है वहाँ पर किसी को अगर रिविजन करना है सो फॉर डिसम्बर ट्वेंटी अमेजिंग ऑफर बिकॉज ऑफ दिवाली तो वन फोर नाइन वन विल गेट मेन बुक यू विल गेट एम सी क्यू बुक साथ में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे आप जी डी ले सकते हैं इसकी वैलिडिटी इकतीस दिसंबर तक होगी मतलब टिल द लास्ट मतलब मंथ तक एंड आर्ज आर अराउंड एटी फाइव अप्रॉक्स दो व्यू मिलेंगे नो रिफंड नो एक्सटेंशन अंडर एनी सर्कमसेंस दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर डिसम्बर ट्वेंटी वन तो अगर आपका कोई भाई बंधु ग्रूप टू दे रहे हो अगर आप कोई दे रहा है उसको रिविजन चाहिए ऑडिट से रिलेट चीज़ें तो बस आप ये ले सकते हैं आपको इसका काम मिलेगा सर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेस्ट लॉन इंडिया डॉट इन पे मिल जाएगा कुछ भी आपको क्वेरी है तो कैन कॉल ऑन एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन ध्यान रखना बेटा सेकेंड नवंबर तक ये ऑफर है खाली ठीक है सो so, आपके पास जो लोग आर्टिकल शिप चल रही होगी उनको रिविजन करना होगा अकेले से नहीं हो रहा है वीडियो ले लो सस्ता मिल रहा है अभी तो ठीक है बाकी मैंने आपको पूरा अदर लॉस हो गया है कॉर्पोरेट में से डिविडेंड अकाउंट्स ऑडर्स हो गए हमारे बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे डो नॉट वरी कूल है बाय गाइस टेक केयर एंजॉय गॉड ब्लेस यू एंड 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 दुआ में याद रखना चलता हूँ बाय